हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी को सादर प्रणाम। हमारे देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र कुमार तोमर जी को सादर प्रणाम। आपकी सरकार के कार्यकाल में साल 2015 में आपके कृषि मंत्रालय के द्वारा एक वेस्टी कंपोजर राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा बनाया गया था। 2015 में इसके बारे में हम किसानों को पता चला। हम किसानों ने इस वेस्टी कंपोजर को अपने खेत में अपनाया। उसके कुछ महीने के बाद सालों साल में, या ये कहें कि हर 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, जैसे भी, हमने देखा हमारी ज़मीन में काफ़ी फेरबदल आया। हमारी जो खेती में लागत थी वो मात्र 1.5 साल में बिल्कुल ना के बराबर हो गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आज जो पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, जहाँ भी धान की जो फसल होती थी, उस फसल को डीकम्पोज करने में राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के वेस्टी कंपोजर ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई, योगदान दिया। आज अगर हम बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सपना है कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो, उसमें वेस्टी कंपोजर ने मात्र 2 ही साल में, यानी आज 2019 की अगर बात करें, तो किसान की आमदनी 3 गुनी हो चुकी है। आज कोई भी किसान साथी जैविक खेती करता है या रासायनिक खेती करता है, दोनों में अगर वो वेस्टी कंपोजर का प्रयोग करता है, जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा बनाया गया था, तो उसको काफ़ी अधिक उसकी लागत जो फसल में थी वो ना के बराबर हो गई। आज आपकी भारत सरकार की जो आपकी स्कीम है सरकार की, स्वस्थ भारत स्वस्थ अभियान के तहत, इसमें वेस्टी कंपोजर ने काफ़ी अहम योगदान दिया। आज महाराष्ट्र की मैं बात करूँ, वहाँ के नांदेड़ में नगर पालिका सेक्रेटरी की मैं बात करूँ, जिन्होंने पूरे शहर का कचरा एक जगह इकट्ठा करवा कर उसको वेस्टी कंपोजर के माध्यम से गलाने का काम किया। आज धान की बात करें, धान की प्राली की बात करें, मात्र वेस्टी कंपोजर के माध्यम से 20 से 25 दिन में डीकम्पोज करने का काम किया। जो धान की पराली जो थी वो किसान के लिए एक सरदर्द बन चुकी थी, हमारी सरकार के लिए भी एक सरदर्द बन चुकी थी, जिससे काफ़ी प्रदूषण होता था, उसमें हमें छुटकारा वेस्टी कंपोजर ने दिलाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका एक जस्टी मैंने बयान सुना था कि 2022 तक जो भी हमारे भारत देश में बंजर पड़ी ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाऊंगा मैं, उसके अंदर भी वेस्टी कंपोजर काफ़ी अपना अहम योगदान दे सकता है, क्योंकि जिस 30 साल से जिस ज़मीन में एक अनाज का दाना तक नहीं होता था, आज वेस्टी कंपोजर के माध्यम से उस खेत में फसल लहराई है, तो आपकी इस मुहिम में भी वेस्टी कंपोजर काफ़ी अहम योगदान दे सकता है। आज भूमि सुधार की बात करें तो काफ़ी लाख हेक्टेयर ज़मीन को वेस्टी कंपोजर ने सुधारने में काम किया है। जिन ज़मीनों का पीएच मान लगातार बढ़ रहा था, जिन ज़मीनों का ऑर्गेनिक कार्बन लगातार घट रहा था, उनको सामान्य स्तर पर लाने में वेस्टी कंपोजर ने काफ़ी अहम योगदान दिया है। आज किसी भी चीज़ को डीकम्पोज करने में वेस्टी कंपोजर बहुत ही पावरफुल वे में काम कर रहे हैं। आज अगर पूरे भारत देश की बात करें तो कम से कम 3 और 4 करोड़ के आसपास किसान साथी वेस्टी कंपोजर का उपयोग कर रहे हैं। हमारे हरियाणा में अगर मैं बात करूं, मैं तहसील लोहारू, जिला भिवानी, हरियाणा से स्थायी निवासी हूं। हरियाणा की बात करूं तो काफ़ी लाखों किसान इस वेस्टी कंपोजर का अपने खेती में उपयोग कर रहे हैं, हर रासायनिक में भी कर रहे हैं और जैविक में भी कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी अधिक फायदा किसानों को मिल रहा है। हाल ही में हमें मालूम हुआ कि कुछ विरोधी दलों ने एक सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र रचकर राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के वेस्टी कंपोजर को बंद करने का काम किया। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को पता करके और दोबारा से वेस्टी कंपोजर चालू करवाया जाए, ताकि किसानों को उसी रूप में मिल सके। ये मात्र एक 20 रुपये की बोतल थी, जो किसान को दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे राज्य के किसान आपकी सरकार का समर्थन करते हैं, आपकी सरकार का सहयोग करते हैं। मैं भी उसमें से एक हूं जो आपका सरकार का सहयोग और समर्थन करता हूं। तो इस तरह से हमारे राज्य के या हमारे हरियाणा के काफ़ी किसान इस वेस्टी कंपोजर का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं दोबारा से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि इन विरोधी दलों का षड्यंत्र को बिल्कुल पता करके और इस वेस्टी कंपोजर को दोबारा से चालू करवाने का कष्ट करें। लाखों किसानों का समर्थन आपके साथ है। तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे इन 2 शब्दों को आप जरूर सुने
और ज़रूर हमारे किसानों के लिए जो आपकी काफ़ी सपने जो आपने किसानों के प्रति ले रखे हैं उनको पूरा करने के लिए वेस्टी कंपोजर काफ़ी अहम योगदान अपना दे सकता है। किसानों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो किसी भ्रम में ना आए और सरकार का सहयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी को मैं दोबारा से प्रणाम करता हूँ और माननीय कृषि मंत्री जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि वो हमारे इन बातों का थोड़ा सा पुण्य विचार करें और इस षड्यंत्र कार्यों को जरूर जो षड्यंत्र में शामिल हैं उनकी जांच करवाएं और वेस्टी कंपोजर राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा चालू करवाएं। हमारे लाखों नहीं करोड़ों किसान आपके सरकार के साथ खड़े हैं, समर्थन में खड़े हैं, ये विश्वास हम दिलाते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी किसान साथियों का, भी धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र कुमार तोमर जी का। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।